वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। KGF 2 के अधीरा के खतरनाक लुक में संजय दत्त की पहली झलक ये बताती है कि एक बार फिर से स्क्रीन पर पुराने संजू बाबा लौटकर आएंगे। संजय दत्त ने हिंदी सिनेमा में कंट्रोवर्सी के साथ फिटनेस और बॉडी को लेकर भी फैंस खड़ा किए हैं। संजय दत्त की बॉडी के सामने सलमान खान, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जैसे फिट सुपरस्टार्स की रौनक कम हो जाती है। आज भी संजय दत्त जब भी स्क्रीन पर सामने आते हैं तो अपनी फिटनेस से चौंका जाते हैं। इसका एक नजारा खलनायक वास्तव अग्निपथ जैसी फिल्म के साथ संजू बायोपिक में भी दिख चुका है, जो ये बताती है कि संजय दत्त मतलब 8 हिप्स वाला सुपरस्टार। आने वाले दिनों में संजय दत्त की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के साथ KGF 2 का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ये बताना जरूरी है कि इस बार का जन्मदिन संजय दत्त के लिए काफी खास है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को सुनील दत्त और नरगिस दत्त के घर पर हुआ। कंट्रोवर्सी संजय दत्त की जिंदगी का बड़ा हिस्सा रही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में संजय दत्त ने जिंदगी पर भी विजय पाई है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बाहर आकर संजय दत्त ने 61 साल की उम्र में अपनी हिम्मत और हौसले का परिचय दिया है। 90 के दशक में संजय दत्त एक फिट और सुपर बॉडी वाले एक्टर्स के तौर पर जाने जाते थे। आज तक उन्होंने अपने नाम के आगे से इसे हटने नहीं दिया है। संजय दत्त को बॉडी बनाने का ऐसा शौक था कि वो जेल में बंद रहने के दौरान 2 बाल्टी में पानी भरकर बैरक में वर्कआउट किया करते थे। जेल में ही संजय दत्त ने अपना सिक्स पैन बना लिया था। जेल जैसे माहौल में संजय दत्त ने खुद को पूरी तरह से सेल्फ केयर में डाला था। संजय दत्त ने अपनी हर फिल्म में लगभग बॉडी बनाने में काफी काम किया है। ऋतिक रोशन की अग्निपथ में उनका खतरनाक लुक भला कौन भूल सकता है। अग्निपथ में कांचा चीना के किरदार से अधिक तैयारी संजय दत्त ने KGF 2 के अधीरा के लिए भी की है। संजय दत्त का ये किरदार रणवेजेस के थानोस से भी अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। KGF 2 के क्लाइमैक्स में अधीरा और यश के बीच फाइट होगी। संजय दत्त ने इसके लिए भी जिम में काफी मेहनत की है। संजय दत्त और यश के बीच KGF 2 में शर्टलेट फाइट सीन होगा। KGF 2 में बॉडी डबल से किया इनकार। KGF 2 के एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त कैंसर का इलाज करवा रहे थे। ऐसे में मेकर्स ने उन्हें बॉडी डबल का सजेशन दिया, लेकिन संजय दत्त ने इससे इनकार कर दिया। बिना ब्रेक के संजय दत्त ने हाई लेवल के एक्शन का काम पूरा किया। KGF 2 में अधीरा बनकर संजय दत्त सभी को चौंकाते हुए नजर आएंगे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।